हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी समाने का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एडवर्टीजमेंट लेकर आए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 जो आज के दिन 14 फरवरी 2020 को जो है वो रिलीज हुआ है। ठीक है, ये है तहसील वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, 5/3/2020 जो है, 5 मार्च 2020 जो है इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ठीक है, और अगर हम देखें ये है वो डिटेल, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में जो है वो तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्लास 2 नॉन गेस्टेड की पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो भरी जाएगी। टोटल 5 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें जो है वो अनरिजर्व हैं, 1 OBC की है, 1 SC की है। टोटल 5 पोस्टें हैं। पे बैंड 10/300 से 34/800 है, प्लस 4200 का ग्रेड पे है, फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, 18 से 45 एज ग्रुप होना चाहिए, और ये जो एज है ये इसमें रिलैक्सेशन मिलती है कैटेगरी वाइज, जो भी जैसे 3 साल 5 साल की है। कोई भी जो ये पोस्ट भरना चाहता है वो सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट जो है इस पोस्ट को जो है भर सकता है, बाकी नॉलेज हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी पोस्टें निकली हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसमें नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, ये जो एग्जाम सेंटर की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला में जो एग्जाम होगा। अगर ज्यादा लोग भरेंगे तो शायद हो सकता है ये एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ा भी दें, पर फिलहाल तो इन्होंने 3 सेंटर रखे हैं, शिमला, मंडी और धर्मशाला। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस रखी है 400 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट के लिए भी 400 रुपये है। ST OBC के लिए 100 रुपये है, और एक्स सर्विसमैन और जो हैंडीकैप्ड है, साथ ही साथ जो विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड हैं जो भी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो फीमेल कैंडिडेट इसको भर सकती है, जो भी ग्रेजुएट फीमेल कैंडिडेट है। एज जो है, बाकी ये मोड ऑफ पेमेंट वगैरह है, आप पहले भी फॉर्म भर चुके हैं। जो आपका क्या बोलते हैं एज कैलकुलेट होगी, वो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1/1/2020 से। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से जो भी है वो एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अगर हम एज यहाँ पे लिखा है रैकेंड एज 1/1/20, अगर एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग तो उसमें होती ही होती है, और जनरल कैटेगरी को उसमें 25% और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी 20% मिनिमम नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होगा इसमें, और पर्सनालिटी टेस्ट में 45 नंबर जनरल कैटेगरी और 35 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए मस्ट है। ठीक है, अगर ऑफलाइन टेस्ट भी होगा इसके बाद सेकंड फेज में, TW के लिए तो ऑफलाइन टेस्ट होता ही होता है। ठीक है, और आप मार्क्स वगैरह देख सकते हैं इसमें, माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू में, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। तो ये आप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से जाके आज डाउनलोड कर सकते हैं इस एडवर्टीजमेंट को, और फॉर्म अपना जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। ठीक है, यही अगर मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा था तो यही TW, बाद में CDPO जो है वो बनते हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर की। नेक्स्ट प्रमोशन या तो CDPO होती है या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होती है। ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।